राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है। रविवार को कोरोना से संक्रमित 47 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से राजधानी जयपुर में 39 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी बात, राजधानी जयपुर के SMS अस्पताल में 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं टोंक नागौर में एक एक, दौसा में दो नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, झुंझुनू में एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिवों की मरने वालों की संख्या प्रदेश में 5 हो गई है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अचानक रविवार को 47 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में एक ही दिन में सबसे ज्यादा 39 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 29 कोरोना पॉजिटिव अकेले SMS अस्पताल में पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी में कोरोना पॉजिटिवों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिवों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिवों का ग्राफ बढ़कर 250 के पार पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में एक ही दिन में 47 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजधानी में 39 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूरे प्रदेश में 47 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। नरेंद्र मोदी की अपील पर हर कोई घर से बाहर निकलकर दीपक जला रहा है, रोशनी कर रहा है। राजधानी जयपुर में भी हमारे संवाददाता लोकेश ओला मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं लोकेश ओला के पास। जी लोकेश, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? प्रधानमंत्री की अपील का किस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी 5 तारीख को 9 बजे और 2 मिनट तक कि अपने घरों के बाहर मतलब दीपक जलाए, उसकी यानी कि बिल्कुल जो उत्साह है लोगों में वो देखा जा रहा है। जिसके अपनी सहयोग करना चाहते हैं, जैसे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लोगों में उत्साह है और जब यहाँ पे देखा जा रहा है, जिस तरह से आप अपनी देख सकते हो कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और घरों से निकलने के बाद है और जब यहाँ पे देखा जा रहा है, जिस तरह से आप अपनी देख सकते हो कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं जी, और घरों के निकलने के बाद उनका बहुत ही अच्छा आह्वान था और हम सब उनके साथ है और हम आगे भी उनका साथ देंगे। देखिए, जिस तरह से लोगों में काफी उत्साह है वो नजर आ रहा है, वो कहना है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि चलिए देशवासी, बहुत बहुत शुक्रिया लोके